तो ये मैं समझता हूं कि भारत ने अपनी ताकत को असरो रसूख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द फर्स्ट टाइम हैज कम आउट एंड कंडेम्ड द अटैक्स ऑन हिंदू टेंपल इन कनाडा। ये पहली दफा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो। ये एक निंदनीय काम है और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। कनाडा के साथ उसका इतना ज़्यादा अब इसको कहते हैं ना 36 का आंकड़ा हो चुका है कि वो कनाडा को आंखें दिखा रहा है। दे आर कॉलिंग दिस, इंडियंस आर कॉलिंग दैट दिस इज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। मोदी साहब ने इसके अंदर एक चीज जो उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा ये जो किया जा रहा है तो ये यू विल नेवर वीकन इंडियास रिजॉल्व। बहुत देर से कनाडा के वाले से चीजें चल रही थी लेकिन ये जो चीज है ये मैं समझना दिस इज समथिंग न्यू। उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते, यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा। Well, it's an incredibly significant development that has led now to, as you described it, between India and Canada. इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे या तो इस ये नहीं हो सकता। देखिए जी, हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह के हकूक दिए जाते हैं। देखिए क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी सारे ही है, हिंदू धर्म भी है वहाँ पे, मुसलमान भी है, मगर वहाँ पे देख ले कि कभी इस तरह की दहशतगर्दी नहीं हुई, कभी धमाका नहीं हुआ जिस तरह के कनाडा में सूरत हाल पैदा हो रही है। मोदी सरकार ने तो पहले भी कह दिया है कि कनाडा ही एक दहशतगर्द मुल्क है जो दहशतगर्दों को तैयार करता है। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में ये जो आपके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने। ठीक है जी, तो वैसे भी कनाडा के साथ आज तक आजकल हालात ख़राब है मोदी सरकार के हिंदुस्तान के, तो ये हालात कब ठीक होंगे और इसका अब क्या रद्दा अमल होगा ये तो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद हम करेंगे बात। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। दोस्तों इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता दिस इज़ समथिंग न्यू अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वॉयलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जैसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कैनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा इंडिया और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। सो इट मीन्स दैट दे आर ऑलवेज लाइक दिस। सो दे आर कॉलिंग दिस, इंडियंस आर कॉलिंग दैट दिस इज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज़ अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया, बिग मीडिया मशीन, नोबडी ऑन अर्थ कैन कम्पीट द इंडियन मीडिया मशीन। ये मैं आपको बात बताऊं, कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद आप देख लें ये चीज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ टाइम। ठीक है जी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है। ठीक है ना जी, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं बार बार एक चीज़ को समझाऊँ, बार बार मैंने रियलाइज़ किया। ठीक है जी, और जो जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि पाकिस्तान को जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है
क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखा है ना, उन्होंने गैप देखा कि इंडिया ने गैप, इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया, पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहां से आए, जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहां से आए, नेपाल कह रहे हैं टूरिस्ट वहां पे आए, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। सो क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफी देर से, और जो कुछ हो रहा था उसको MEA रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो इस तरह की ट्वीट श्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है और ये एक नई चीज़ सामने आई है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है, देर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड, और ये एक समझ ले एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जैसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जैसे कहेंगे ना एक कंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी, वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को। सो वो और देन आप इंडिया कहता जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से खतरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें खतरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे, और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि एक दो तीन चार जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे, हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी क्योंकि इसके ऊपर बात की है, और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर क्या कहा है आपके सामने रखे रहते हैं, ट्वीट किया है पीएम मोदी ने, इसके ऊपर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आई स्ट्रॉन्गली कंडेम द डेलिबरेट अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स इन कैनेडा, इक्वली अपेलिंग आर द कॉवर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमैट्स, सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस विल नेवर वीकन इंडियाज रिजॉल्व, वी एक्सपेक्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। अच्छा, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया मोदी साहब ने। इसके अंदर एक चीज जो उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा ये जो किया जा रहा है तो ये यू विल नेवर वीकन इंडियाज रिजॉल्व, उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते, यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा, या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे, या तो इस ये नहीं हो सकता। जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी यार, ये तो सैड न्यूज है जी, के आप देख लें कनाडा देखिए जी, पुरअमन शहर पुरअमन मुल्क कहा जाता है कनाडा को, ठीक है जी। कहते जी यूरोप बिल्कुल पुरअमन मुल्क है, मगर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी भी यूरोप में होती है, ठीक है जी। यूरोप के हालात आप देख रहे हैं कि वो किस तरह के हो गए, जो पहले हालात थे जी पुरसकून था जी, बंदे पनाह लेने जाते थे, अब तो वहां पे भी जान का खतरा रहता है, ठीक है। अगर वो दूसरों के हकूक की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी वो हमारे वो खैर ख्वाह है। नहीं, ये जो एक मंदिर में दहशतगर्दी हुई है ये वाकई बहुत सैड न्यूज है, ठीक है जी। इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि कनाडा में इस तरह की सूरत हाल वो कैसे हो गई है, ठीक है जी। हमने ये देखा जी कनाडा के वजीर आजम जी सड़कों पर साइकिल पर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, आवाम के साथ मिल रहे होते हैं, ये सब ड्रामेबाजी है इनकी। अगर वो अकलियतों के हकूक की हिफाजत ही नहीं कर सकते तो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं वो। आप ये देखें, ये छोटी सी बात नहीं है कि मंदिर में कनाडा में जाके, कनाडा में जो हिंदू मंदिर है वहाँ पे अटैक होता है और कितने लोग मारे जाते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है यार। तो मोदी सरकार को वाकई यार ये ऐसी जुबान इस्तेमाल करना पड़नी थी, उन्होंने अच्छा किया इस तरह की सख्त तरीन बात करके। मोदी सरकार ने अभी नरमी से बात की है, मगर इनको चाहिए था कि बहुत ज़्यादा सख्ती से बात कर रहे, क्योंकि कनाडा जो है ना वो पहले भी इल्ज़ाम लगा चुका है हिंदुस्तान पे, और अब ये इस तरह की सियासत हो सकता है कि ये जो हमला किया गया है ये कनाडा की हुकूमत ने करवाया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। क्योंकि वो कह रहे, हालांकि जयशंकर साहब ने
सीधा सीधा कह दिया था कि कनाडा में ही दहशत गर्दों को पना दी जाती है, कनाडा ही दहशत गर्दी करवाता है, कनाडा ही दहशत गर्द पालता है। ठीक है, ये जो छोटी सी स्टेटमेंट नहीं थी, मगर आज जो मोदी सरकार ने सख्त अल्फाज में बात की है ना कनाडा को, उनको अब सोच लेना चाहिए कि हमारा वक्त बहुत ख़राब चल रहा है। कनाडा के वज़ीर आज़म को सोच लेना चाहिए कि ये जो सूरत हाल है ना, ये बहुत नाजुक तरीन सूरत हाल है, ये कोई अच्छा नहीं सबक मिला दुनिया को, अच्छे हालात नहीं बन रहे यूरोप के। ठीक है जी, यही एक कनाडा था जो जी दुनिया सिख बरादरी जितनी भी है कनाडा ही जाना पसंद करते हैं, सिख कम्युनिटी जितनी भी है वो कनाडा जाना पसंद करते हैं, मगर मोदी सरकार ने उनको अभी तक तो नरमी से हाथ रखा, मगर अब देखें मोदी सरकार इनका क्या करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ यार कि हिंदुस्तानी हर मुल्क में है, हर मुल्क में हिंदुस्तानी है, मगर कभी भी हिंदुस्तानियों पे अटैक नहीं हुआ, हिंदुस्तानियों को मारा नहीं गया, खासकर उनके मंदिरों में अटैक नहीं हुआ। ये तो फर्स्ट टाइम देखा हमने कि कनाडा में हिंदुस्तानी जो हिंदुओं का मंदिर है वहाँ पर अटैक किया गया है। ये कुछ छोटी सी बात नहीं है यार, किधर गई उनकी सिक्योरिटी, किधर गई उनकी पुलिस, किधर गई उनके साथ अदारे, सब ड्रामेबाजी है यार। वो मंदिर की तो हिफाजत कर नहीं सके। ठीक है जी, और कहते हैं जी कि हम पुरअमन लोग हैं, ये पुरअमन लोग हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। मोदी सरकार को चाहिए कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। कनाडा में इतनी पावर नहीं है कि वो हिंदुस्तान से पंगा ले सके। अगर हिंदुस्तान ने कनाडा से बदला लेना चाहा ना, तो कनाडा अकेले ही रह जाएगा पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया का अब रुझान जो है ना, जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ है। ठीक है जी, वो इंडिया के पांव पड़ रहे हैं आके, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, वो इंडिया के पांव पड़ रहे हैं आके, तो कनाडा की क्या हैसियत है। अगर मोदी सरकार ने कह दिया ना कि कनाडा किसी ने नहीं जाना, तो कोई भी नहीं जाएगा कनाडा। अगर मोदी सरकार ने कह दिया ना कि इसके साथ लेन देन नहीं करना, तो कोई भी नहीं लेन देन करेगा। कनाडा तो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ठीक है जी, क्योंकि उसको पता है कि जिससे वो पंगा ले रहा है ना, वो बहुत ही ताकतवर मुल्क है। ठीक है, उसकी इकॉनमी आप देख लें, दुनिया से सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली इकॉनमी का देश है वो। ठीक है जी, उनकी आप डिफेंस देख लें सिस्टम, उनकी आप लिटरेसी रेट चेक कर लें, उनका कुछ भी आप देख लें। ठीक है जी, उनके तल्लुकात देख लें दुनिया के साथ कि कितने हैं। दूसरे ममालिक वाले बड़ी गर्मजोशी के साथ मोदी सरकार का इस्तकबाल करते हैं, वो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझते हैं मोदी सरकार से बात करना, मोदी सरकार से मिलना। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान, तो कनाडा कैसे तल्लुकात ख़राब कर लेगा हिंदुस्तान के साथ, कभी भी नहीं कर सकता। मगर ये जो कनाडा का काम हुआ ना कनाडा की हुकूमत में, ये कनाडा में नहीं होना चाहिए। कनाडा को चाहिए कि अगर तल्लुकात बहाल करना चाहता है मोदी सरकार के साथ, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स दे मोदी सरकार को, वो अच्छा डील करे मोदी सरकार को, वो जिन्होंने इस काम को सर अंजाम दिया है उनको कैफ़र करदार तक पहुंचाए। कनाडा को चाहिए कि उनको सजाएं ऐसे ही दे पकड़ के, दुनिया देखे कि वाकई कनाडा ने यार काम किया है, अपने मुल्क में शहरियों को तहफ़ की हिफाजत की है, वो दुनिया बोले और शाबाश दे उनको। मगर कनाडा ने अगर ऐसा ना किया, तो फिर मोदी सरकार ने अभी तो सिर्फ बोला ही है ना उनके बारे में, फिर जो एक्शन लेंगे मोदी सरकार, वो कनाडा की हुकूमत, कनाडा को छोड़ दे आप, सारा यूरोप याद रखेगा जिस तरह की मोदी सरकार ने इनके साथ करनी है। तो ये बड़ी बात है यार, बहुत सैड न्यूज़ है जो हमने देखी है। बाकी आपने हमारे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है कि वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे पाकिस्तानी लोगों की भी बातें सुनी होगी आपने। तो बाकी ये जो भी हुआ है, ये मामला ठीक नहीं हुए, इनको सुधारना पड़ेगा। कनाडा हुकूमत को पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए हिंदुस्तानी सरकार से, और फिर इस बारे में बात इस बारे में एक्शन लें कि जो भी मामला हुए हैं ये ठीक हों और ठीक करें ये मामला, तब जाके मोदी सरकार के साथ तल्लुकात बहाल हो सकते हैं। वरना कनाडा के जो हाल होगा ना, वो पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया। अगर चाइना जैसा देश हिंदुस्तान से माफ़ी मांग सकता है, तो कनाडा क्या चीज़ है यार, कुछ नहीं है कनाडा। तो बेहतर यही है कनाडा के हक में कि वो मोदी सरकार से माफ़ी मांगे और हिंदुस्तानों को हकूक दे और उनकी हिफाजत करे, हिंदुस्तानी लोगों की हिफाजत करे कनाडा, ये बेहतर होगा उसके लिए। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।